जय दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे Realme X2 और Vivo S1 Pro के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन बेटर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, राइट साइड में मेरे हाथ में है Realme का X2 और लेफ्ट साइड में है Vivo S1 Pro। दोनों ही यहाँ पे मेरे पास पर्ल वाइट वाले वेरिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे दोनों ही मोबाइल में आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है, अगर मैं रियलमी X2 के बारे में बात करूँ तो 64 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। बात करूँ मैं यहाँ पे S1 Pro की वीवो की, तो यहाँ पर भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर प्राइमरी सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का है, बाकी सारे सेम यहाँ पर सेटअप आपको रियलमी X2 टाइप के ही देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पे आप देखोगे S1 Pro का जो कैमरा सेटअप है, थोड़ा डायमंड डिज़ाइन का आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बात करूँ यहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी और वीवो के लोगो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल जाता है वीवो में, जबकि यहाँ पे रियलमी में जो ये जैक है 3.5 mm का, ये यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का सेटअप जो है आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही यहाँ पे टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड की गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे दोनों ही मोबाइल में देखने को मिलती है। रियलमी X2 में यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर की भी देखने को मिल जाती है कि वीवो में पावर ऑन ऑफ बटन वॉल्यूम रॉकर की एक ही साइड राइट साइड में दी गई है। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ मैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों ही मोबाइल में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बेटर, यहाँ पर आप सेल्फी यहाँ से ले सकते हो। दोनों ही मोबाइल में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है सेंटर में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे नॉच दोनों ही इक्वल है, बट यहाँ पे रियलमी X2 की थोड़ी सी वाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे रियलमी का जो X2 है वो ColorOS 6.1 के साथ रन होता है और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्ज़न जो है एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं फंटा चॉइस में देखूँ तो यहाँ पे फंटा चॉइस 9.2 देखने को मिलता है वीवो के S1 Pro में, ये भी एंड्रॉयड 9 पे ही रन होता है। अब दोनों ही मोबाइल में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है। X2 में आपको यहाँ पे ColorOS 7 मिलेगा, तो यहाँ पे फ्रंट टच ओएस 10 मिल जाएगा एंड्रॉयड 10 के साथ S1 Pro में। अगर मैं डार्क मोड के बारे में बात करूँ तो दोनों ही मोबाइल में आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे डार्क मोड जो है कुछ इस टाइप का दोनों ही मोबाइल में आपको देखने को लुक मिलता है। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो वीवो S1 Pro में आपको 6.3 इंचेस का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो वहीं X2 में आपको 6.4 इंचेस का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में, तो वीवो S1 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक आउटडेटेड प्रोसेसर है मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर आप रियलमी X2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का, जो कि काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है और इजीली आप यहाँ पे गेमिंग अच्छे से कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल के आप कैमरा देख सकते हो। बैकग्राउंड आपको किस कलर का देखने को मिल रहा है, तो ये रियलमी X2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाइड एंगल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, क्रोमा बूस्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, HDR+ का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं वीडियो सेक्शन के बारे में बात करूँ तो इस मोबाइल से आप वीडियो बुके में रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये जो चिपसेट है 730G, यहाँ पे वीडियो बुके को सपोर्ट करता है और इस मोबाइल में आपको एक अल्ट्रा स्टडी जी मोड भी देखने को मिलता है जिसमें आप 6 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, काफ़ी स्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे S1 Pro के बारे में, तो इसमें भी वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको वीडियो बुके का जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। इसमें आपको AI स्टिकर वगैरह के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। रियलमी X2 में भी अपडेट के थ्रू ये आने वाला है। तो
कुछ इस टाइप का आपको कैमरा सेटअप Vivo S1 Pro में भी देखने को मिलता है। दोनों ही मोबाइल 10x हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करता है, तो यहाँ से आप 10x हाइब्रिड जूम वाली जो फोटोज़ है वो क्लिक कर सकते हो। दोनों ही मोबाइल से मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। और कौन सी फ़ोटो आपको किस मोबाइल की अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो Vivo S1 Pro है उसमें आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है टाइप सी वाली। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी जो मिलती है उसे यहाँ पे फुली चार्ज करने के लिए 1.5 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। जबकि यहाँ पर जो Realme X2 है उसमें आपको 30 वॉट का वूक फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है जो 3.0 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पे 4000 mAh की जो बैटरी है लगभग 1 घंटे में Realme X2 जो है उसका जो 30 वॉट का चार्जर है वो चार्ज कर देता है। तो चार्जिंग के मामले में Realme X2 जो है वो काफ़ी आगे निकल जाता था, क्योंकि वूक चार्जिंग जो है वो अभी तक की सबसे बेस्ट चार्जिंग है सभी मोबाइलों में। बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका दोनों का ही जो रेट है वो 20,000 rupees है। अब फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ तो कैमरे की जो फ़ोटोज़ है वो दोनों ही मोबाइल बेटर ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जो बेनिफिट अगर ओवरऑल मैं बताऊँ प्राइस सेगमेंट वगैरह को लेके, तो यहाँ पे जो Realme X2 है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट वाला मोबाइल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 में आपको 730G वाला प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हाई लेवल का प्रोसेसर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 30 वॉट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। वैसे दोस्तों दोनों ही डिवाइस काफ़ी अच्छी है, बट Realme X2 को थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों ही मोबाइल जो है रिमझिम मोबाइल बालाघाट में दोनों ही मोबाइल अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो वहाँ से, अगर आप बालाघाट के आसपास रहते हो तो वहाँ से ईजिली ये मोबाइल परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन प्राइस से यहाँ पे आपको काफ़ी कम दाम में मोबाइल मिल जाएगा और भारी डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।